अलीपुरद्वार लोकसभा सांसद जंड बारला ने डुअर्स के विभिन्न चाय बागानों में काम कर रही श्रमिकों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करते हुए नजर आए। उन्होंने श्रमिकों को बताए रविवार को प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू को मनाए, इस बात पर विस्तार रूप से बताया गया। ये डॉक्टर साहब तो पहले भी तोरे ठीना बतालक हमरे कर बगान बगान, हमारे एलडब्ल्यू साहब भी बतालक हमरे कर बगान, बाबू राकेश भी बतालक, और सबको टीवी देखा थी, टीवी में हमरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमरे के संदेश दिलक, उस संदेश के हमरे के पालन करे के। कल के दिन में 22 तारीख 14 घंटा का कर्फ्यू लगा ले, 3 मीटर हमरे के दूरी रखी पड़ी, और हमेशा हमें हमरे के हाथ से साबुन से हाथ के धुआए के, और ज्यादातर हमरे हमरे हाथ धोवाइला और हमरे मुख के ऐसा पोछाइला जा, हमरे जितना तक हो सके हमरे मुख से हाथ से मुख के नहीं पोछा, और ज्यादातर ही हमरे अगर पोछा फले मुख में अगर कोनो होला खले कम से कम ऐसा करके हमरे पोछा, और ये जे यहाँ से जे वायरस हो भी पूरा शरीर में लग जाए हले, फिर मुझे एक दूसरे से बात कर बोला दूसरा कर भी लाइक थे चले, हमेशा हमरे के साबुन से हाथ धोवा के और सैनिटाइजर लगाए थे, तो दुकान में मिले ला कमती दाम में, है ना, ज्यादा दाम न के हॉस्पिटल जहाँ मेडिकल है मुखर्जी में भी मिली, जितना भी क्लिनिक है से मिले ला, से कम से कम प्रत्येक परिवार खाए कर पहले कोनो चीज धारे कर पहले कम से कम हाथ में उके लगाए थे, लगाए के कम से कम हमरे के अपने आप में दूरी बनाए रही, तभी हमरे इकर से मुक्ति पाओ। और कल का दिन में हमरे 12 घंटा 14 घंटा हमरे के जनता कर्फ्यू करे के, कल घरे बैठे के घर से बाहर नहीं निकले के, और 5 बजे शाम के हमरे के घंटी बजाए के, या तो संग बजाए के, या तो थारी डेगची जा पाओ थी जे भी चाहो थी जे कर से आवाज निकली सके हमरे बजाए के, हमरे जे मैंने हमरे के लगी ये कोरोना वायरस के लेके डॉक्टर मैंने नर्स मैंने दिन रात एक करके इके मुक्ति पावे के लगी।